का प्रभावशाली व्यक्ति है गौरी शंकर सिंह जी है, खड़ा हो गए मेरा साहब भी खड़ा हो गए, इनको भी तालियां बजा दो। दिशाओं का मुख मोड़ देने वाले नेता हमारे संजय दत्त, तो नेताजी के साथ एक दिन के कार्यक्रम में हम लोग हेटला पीट में हैं। यहाँ कार्यक्रम इनका हुआ जहाँ कई पार्टियों के लोगों ने यहाँ पे सदस्यता ग्रहण की है, लोजप्पा का दामन थामा है और अभी रूपेंद्र शर्मा फिर यहाँ को यहाँ का कार्यक्रम पूरा होने के बाद फिर अगली सभा को अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और एक दिन नेताजी के साथ के कार्यक्रम में हेटला पीट आपको बता दें कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और इस क्षेत्र में जो बातें हैं वो सभी के सामने इन्होंने रखा है इस कार्यक्रम में जो आप वीडियो में देख रहे होंगे और इसके बाद फिर से हम लोग इनके आगे कार्यक्रम में चलेंगे। बने रहे नेताजी के साथ एक दिन लोजपा प्रत्याशी उपेंद्र शर्मा। तो नेताजी के साथ एक दिन के कार्यक्रम में हम लोग उपेंद्र शर्मा जी के साथ लगातार बने हुए हैं। बता दें कि गिरिडीह विधानसभा से हेटला पीट में ये अभी एक सभा करके आ रहे हैं जहां वहां से सुरेश दास जी जो जिला परिषद सदस्य हैं संजय दास वो इस बार लोजप्पा को समर्थन दे रहे हैं। उपेंद्र शर्मा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आज कई लोगों ने लोजप्पा की सदस्यता भी ग्रहण की है। शर्मा जी हम लोगों के साथ हैं। शर्मा जी बोलेंगे कुछ नहीं करेंगे सब कुछ, ये जो नारा आप दिए हैं क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि आप देखते हैं कि जब भी इलेक्शन और चुनाव आता है तो जनरल बने पार्टियां लोग जो है से बड़का बड़का घोषणा पत्र निकाल देती है लेकिन करती कुछ नहीं है। जो गरीबी दूर करना हुआ नहीं, बेरोजगारी हुआ नहीं, रोड सड़क हुआ नहीं, गरीब सबों को पक्का मकान अभी भी बने जो है से मैंने 50% भी नहीं हुआ है। तो आप जहाँ भी जाते हैं एक और सबसे बड़ी समस्या गरीबों की है, जो लोग कहता है यहाँ वादा कर लेता है आके साइड पर, हमने देखा है घूमते हुए हेटला पीट में भी समस्या है जिससे अब खदान पहले चल रहा था और वो जैसे खदान से में जो कर्मचारी लोग काम कर रहे थे लेबर लोग काम कर रहे थे वो खदान एरिया में जो भरा गया है फिलिंग हो गया वहाँ पर घर बना के रह रहा है, आज वो कई एक साल से रह रहा है। अब उसको न लाल कार्ड बन रहा है न जो है से उसको गैस चूल्हा मिल रहा है और वो वही गरीब के दास्ता आज भी रो रहा है। जब तक सरकार इस प्रवृत्ति को नहीं सुधारेगी अब कैसे समझते हैं गरीबों का उत्थान होगा? जबकि आप जोड़ेंगे अगर सभी का खदान को ले लें या गैरबजरुआ जमीन में बसने वाले को ले लें, अभी रघुवर सरकार ने क्या कर दिया कि गैरबजरुआ जमीन कहागा तो रजिस्ट्री नहीं होगा, भल्ला है तो ये काम नहीं होगा, हर तरह का प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया कि जिसका वर्णन नहीं है। अभी लोग हर लोग जमीन से तराई तराई है, बड़े बड़े किसान भी तराई तराई है, इसलिए कि उनका जो है से 50% गैरबजरुआ जमीन है। देखिए गिरिडीह में समूचा मकतपुर मोहल्ला बसा हुआ है गैरबजरुआ जमीन है, विधायक है उसका घर भी गैरबजरुआ जमीन में है जो प्रदूषित करता है और 10 साल से वो भाजपा का पूरा दिल्ली से लेकर झारखंड तक सरकार है और उसने प्रदूषित करता है और आज तक गैरबजरुआ जमीन में घर बना के रह रहा है लेकिन आज तक उसको भी क्लियर नहीं करा सका। अगर विधायक अपने लिए भी काम किया होता तो समूचे जनता का भलाई हो जाता, गिरिडीह में कम से कम कोई गैरबजरुआ जमीन जो रहता है जिसमें बता हुआ है उसको मालिकाना हक मिल जाता, वो रसीद कटाता, गरीब रहता तो लाल कार्ड के भागी होता, तो जीवन यापन करता, एक रुपया अनाज मिलता तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वो गरीब जो आज मर रहा है इस गरीबी को कैसे दूर करेंगे इसकी सरकार नहीं सोच रही है। तो उपेंद्र जी से और भी सवाल जवाब होंगे लेकिन आपको भी एक ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जो सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हैं, साथ ही आपको बता दें कि ब्रह्म ऋषि समाज के अध्यक्ष भी वो हैं, हम लोगों के साथ हैं वो जुड़े हुए। जी आप सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हैं, शिक्षा जगत में आपने सेवाएँ दी है, अभी आप उपेंद्र शर्मा जी को समर्थन दे रहे हैं, लोजप्पा का समर्थन कर रहे हैं, क्या विचार से किस विचार से प्रेरित होकर कर रहे हैं या क्या बात रहा है? देखिए गिरिडीह की बद से बदतर स्थिति को देखते हुए हमारे समाज के सभी भाइयों ने लोगों ने दूसरे वर्ग के लोगों ने, हम तो ब्रह्म ऋषि से जुड़े हुए हैं बाकी हम शिक्षक संघ से के भी पदाधिकारी हैं, तो शिक्षक संघ में भी जितने जाति वर्ग के लोग थे उन्होंने हमसे आग्रह किया कि भाई एक ऐसा उम्मीदवार आप दीजिए जिससे गिरिडीह का सर्वांगीण विकास हो सके।
तो इस रूप में हमने उपेंद्र शर्मा जी से आग्रह किया कि भाई सभी जाति सभी वर्ग सभी धर्म के लोग हमसे कह रहे हैं कि चुनाव आपको लड़ना चाहिए। तो इन्होंने कहा भाई हम तो राजनीति कभी किया नहीं है, कैसे होगा। हम गए कि देखिए एक स्वच्छ साफ ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति की चाह लोगों में है, लोग परिवर्तन चाहता है। तो इन्होंने हम लोगों के आग्रह से को स्वीकार कर लिया और स्वीकार कर लिया और ये कहे कि ठीक है आप लोग जब कह रहे हैं तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हम एक स्वच्छ नेता देने के पक्ष में इनको समर्थन दे रहे हैं और यह ऐसा नेता होंगे गिरिडीह का, जब चुनाव जीत जाएंगे तो ऐसा नेता होंगे जो झारखंड का एक उदाहरण होगा और झारखंड हमारे क्षेत्र का तो गिरिडीह में समस्या का नाम ही नहीं रहेगा। इसलिए हम उपेंद्र शर्मा जी का समर्थन दे रहे हैं। तो और भी सवाल जवाब के दौर चलेंगे, इनके और भी कार्यक्रम हैं जो एक दिन नेताजी के साथ आज लोजपा प्रत्याशी उपेंद्र शर्मा जी के साथ हम लोग आज बने हुए हैं। इनके और भी जो कार्यक्रम है वो समाधान इंडिया आपको दिखाते रहेगी। और इस बार चूंकि बोल लेंगे कुछ नहीं करेंगे सब कुछ, ये नारा बुलंद करते हुए उपेंद्र शर्मा लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। क्या आगे आने वाले दिनों में कुछ हो पाता है, बने रहें समाधान इंडिया के साथ, देखते हैं।